एक्शन। बस एक मेरी माँ ही थी जिसे मेरे अंदर एक स्टार दिखाई देता था। मुझे आज भी याद है वो सेकंड स्टैंडर्ड वाला स्कूल प्ले जिसमें हम एक पेड़ बना था। डायलॉग भी नहीं थे मेरे, फिर भी मेरी मॉम को मेरा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा था। इनफैक्ट मेरी मॉम मुझे इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा मानती थी। मुझे मेरे अंदर ऐसा कुछ नजर नहीं आया, पर फिर जब मॉम हम सबको छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई, तब मैंने अपने आप को उनकी नज़र से देखना शुरू किया। कैपिटल थिएटर में हर फ्राइडे जब बड़े बड़े स्टार्स को पर्दे पर देखता, तब अपने आप से एक ही सवाल पूछता, खैर इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। बस फिर मैं मुंबई चला आया यही सोचकर कि बड़े पर्दे को सिर्फ मेरी तलाश है। फिर यहाँ आकर पता चला जितना अंधेरा थिएटर के अंदर है उससे कई ज्यादा थिएटर के बाहर है। जितनी एक्टिंग पर्दे के ऊपर होती है उससे कई ज्यादा पर्दे के पीछे होती है बॉस। जहाँ भी जाता मेरे जैसे और 300 दिखाई देते, उनके भी माँ बाप ने यही सपने देखे होंगे। पर फिर भी मुझे लड़ाई लड़नी है, मुझे सफर तय करना है, और किसी के लिए नहीं, जस्ट फॉर माई मॉम एंड आई विल डू इट।